हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित। कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग 9 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 10वां टेस्ट है। कौन सा? 10वां टेस्ट है। आप लोगों को बता दें कि हम लोग टेस्ट कब देते हैं, परीक्षाएँ कब देते हैं। तब देते हैं जब हमारी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाती है। बिना तैयारी के हम लोग टेस्ट देंगे या परीक्षाएँ देंगे, कभी पास नहीं होंगे। जब हमारी तैयारी ही नहीं है तो किस लिए हम मतलब बैठे परीक्षा में। तो आप से लोगों से वही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डिटेल के साथ नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उसे पढ़ लें। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट दें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में हमें अपनी औकात पता चलती है कि हम किस लेवल पर पहुँच पाए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मॉक टेस्ट का यही मतलब होता है। तो हम लोगों ने भी आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो वहाँ जाकर देख लें। अगर आप चैप्टर वाइज चैप्टर ख़त्म करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें डली हुए हैं सभी चैप्टर आपके, बहुत ही साधारण शब्दों में पढ़ाए गए। और एक सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से 17 घंटे का लेक्चर डला हुआ है इस प्लेलिस्ट सूची में, तो वहाँ जाकर देख लें। वो 17 घंटे का इसलिए बनाया गया था कि आप लोग जब भी पेपर देने जाएं उससे पहले रिवीजन कर सकें उससे, ठीक है, एक ही जगह पूरा लेक्चर। तो वहाँ जाकर देख लें, उसके बाद मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा रहेगा। और इतना क्लियर मानिए कि अगर आप लोग उस लेक्चर को देख लेते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चंस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही हैं। निम्न जो नीचे कथन दिए गए हैं इनमें हमें सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है, ये आपका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश वस्तुद्योग निगम, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, जिसका मुख्यालय आपका इंदौर में है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय भी आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 में बना, इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो इसमें आपके चारों कथन सही हैं। क्या हैं? क्वेश्चन एक में आपके चारों कथन सही हैं, ठीक है। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन सही, चारों। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस में अधिक पूछे जाते हैं। क्या होती है? सिविल सर्विस में फंसाने के लिए आपको अधिकतर क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। हो सकता है एमपीपीएससी में आपका पैटर्न बदल जाए और इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे। अभी तक इस तरह का पैटर्न नहीं आया है पूरी तरह से। यूपीपीसीएस में काफ़ी हद तक आपका इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। मध्य प्रदेश में स्टोन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में स्टोन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? कटनी में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसमें। तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ स्थापित है? पीथमपुर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ए ऑप्शन सही है। 4, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? इंदौर में। सी ऑप्शन सही है। 5वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित औद्योगिक विकास केंद्र व संबंधित जिले के जोड़े में असंगत है। पेलुखीड़ी राजगढ़ सही है, मक्सी राजापुर, चंदपुरा छतरपुर, बडेरा सीधी, ये आपका गलत है। तो क्या होगा असंगत इसमें? डी, 5 में डी ऑप्शन आपका होगा। 6वां,
मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास केंद्रों में से 6 को केंद्र शासन ने स्वीकृति दी है, उन 6 केंद्रों में शामिल नहीं है आपका पीथमपुर शामिल है, मेघनगर भी है, मालनपुर भी है, मक्सी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, सात। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है? गन कैरिज फैक्ट्री जबल हो रही है, एल्काइड फैक्ट्री, एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच ये भी है, रतलाम एल्कोहल प्लांट एंड ग्रेड इंडस्ट्रीज रतलाम ये नहीं है, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, मलाजखंड, बालाघाट ये भी है। तो इसमें क्या होगा साथ में आपका? सी ऑप्शन क्या होगा? 7 का सी होगा। 8, उद्योग व संबंधित स्थल में असंगत हैं, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया सही है, करेंसी पेंटिंग पेस देवास, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स सिंगरौली, कॉटन सील्ड सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट ये आपके इंदौर में नहीं है। तो 8 में क्या होगा? डी, 8 में आपका डी होगा। ठीक है, नौ। निम्न उद्योगों व संबंधित क्षेत्र में सही है, क्या पूछ रहा है? सही है, तो इसमें कास्टिक सोडा नागदा बी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, फिर आपका 10, निजी क्षेत्र का कागज कारखाना कहाँ है? तो ये आपका अमलाई में है, बी ऑप्शन सही है। निजी क्षेत्र का कारखाना कहाँ है? निजी क्षेत्र का कागज कारखाना कहाँ है? अमलाई में, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 क्वेश्चन। निम्न औद्योगिक संस्थाएं व उनके निर्माण वर्ष में असंगत है, यानी कि सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1971 ये आपका गलत है, मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर 1955 ये भी आपका सही है। तो इसमें सी होगा, 11 में क्या होगा आपका? सी ऑप्शन 11 में। 12, निम्न में असंबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है आपका, एग्रो कॉम्प्लेक्स बालाघाट में नहीं है, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बी, 12 में क्या होगा? बी ऑप्शन। अब याद रखिए, अगर आपको आपने डिटेल से नहीं पढ़ा है एमपी स्पेशल को या एमपी सामान्य ज्ञान को, तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाओगे? इनमें आपको 3 सही पता होना चाहिए कि इनमें सही कौन है, तभी तो आप गलत को ढूंढ पाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि डिटेल से पढ़ लीजिए। ठीक है, 13, फूड पार्क तथा स्थल के जोड़ों में असंबद्ध है, मनेरी डिंडोरी ये आपका गलत है, नीमरानी खरगोन सही है, जग्गाखेड़ी मंदसौर सही है, बोरगांव छिदवाड़ा सही है। तो 13 में आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? ए ऑप्शन। 14, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बुरहानपुर। 14 में आपका ए। 15, क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ बनाया गया? इंदौर। 15 में आपका बी। 16,
सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो ये आपकी होशंगाबाद में है। 16 में आपका सी। सत्रह, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। भारी विद्युत उपकरण को। 17 में डी। क्वेश्चन है हमारा 18, चिप बोर्ड कारखाना स्थापित है कहाँ? इटारसी में। उन्नीस, औषधि उद्योग की इकाइयाँ प्रदेश में कार्यरत हैं। 26, 26, 20, क्या 20? सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है हमें। जरी के बटुए या आपके भोपाल, बहरागोड़ के प्रिंट, उज्जैन, बाकी हस्तशिल्प, धार, चंदेरी की साड़ियाँ, अशोकनगर। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या 21वां, प्रदेश में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। प्रदेश में पहली चीनी मिल स्थापित हुई 1934 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। 22 क्वेश्चन, राज्य का प्रमुख औद्योगिक लेदर कॉम्प्लेक्स बनाया गया। देवास में। 23, शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया। पीथमपुर। सी ऑप्शन सही है। 24, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का क्या नाम है? मेघनैनी। 24 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 25 की तरफ। लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ पर स्थित है? उमरिया में। लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ है? उमरिया में। बी ऑप्शन 25 में आपका सही हुआ। 26, सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? रतलाम। 26 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 27, सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ स्थित है? सीहोर। 28, राज्य में न्यूनतम उद्योग किस जिले में है? पन्ना। बी ऑप्शन सही है। 29, औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? इंदौर। ए ऑप्शन सही है। 29 में क्या है? ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? वर्ष 1965 में। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ए होगा।
31 मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ स्थित है? भोपाल। बी ऑप्शन सही है। 32 मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का के कारण क्या है? वित्त का अभाव, शक्ति का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपयुक्त सभी। 32 में क्या होगा? डी। 33 मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स स्थित है, कहाँ है? गुना में। 33 में आपका डी। 34 औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सातवां। 34 में आपका सी। 35 BHEL मध्य प्रदेश में कहाँ इस पर स्थित है? भोपाल। BHEL मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भोपाल। डी ऑप्शन सही है। 35 में। 36 मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका भोपाल में। 36 में आपका बी होगा। 37 पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? ये आपका राजगढ़ में है। 37 में टी होगा। 37 में क्या होगा? डी। 38 मध्य प्रदेश के किस स्थान को सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया है? देवास, होशंगाबाद, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? डी। 38 में आपका डी। 39 रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है आपका जबलपुर में। डी। 39 में डी। 40 जिलेटिन बनाने का कारखाना स्थित है जबलपुर, कहाँ है? जबलपुर में। 41 सीमेंट शीट उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कटनी। 41 में आपका बी। 42 मध्य प्रदेश में पीतिभूति कागज कारखाना स्थित है? होशंगाबाद। 43 सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया बेला कॉरपोरेशन द्वारा। 40 ऑप्शन सही है। 44 प्रदेश में अल्को लॉयड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? नीमच। 44 में आपका सी। 45 मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क किस जिले में 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया था? तो ये आपका खरगोन में। 45 में आपका ए है। ठीक है, तो ये था आपका 10वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 11वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोग पहले MP सामान्य ज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और वैसे भी आपके पेपर आने ही वाले हैं अब, ठीक है, लगे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए।